हिमाचल की संस्कृति की झलक पूरे देश के साथ दुनिया तक पहुंच पाएगी, यह बात आज शिमला में केंद्रीय सूचना व प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि डीडी हिमाचल अब 24/7 के लिए शुरू किया गया है। डीडीएच पर यह पूरे देश में देखा जाएगा। यहां की कला व संस्कृति को पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। इससे प्रदेश के धार्मिक व साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक स्थानों में आरती व अनेक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। पर्यटकों को हिमाचल लाने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए अनेक कार्यक्रम दिखाए जा सकेंगे। यहाँ की नाटी व संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए प्रयास किया जाएगा। हिमाचल के लोगों ने आजादी में कितना योगदान दिया, ऐसे वीर सैनिकों के बारे में कार्यक्रम तैयार करके जनता को दिखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन पर आने वाला चित्रहार काफी मशहूर था, अब भी डीडी हिमाचल में हिमाचली चित्रहार दिखाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों को बधाई देता हूँ। डीडी हिमाचल 24/7 हिमाचल का अपना चैनल जो पूरे देश के लिए 2400 घंटे सातों दिन अब उपलब्ध रहेगा और डीडी फ्री डिश पर भी इसको देश के किसी कोने पर आप देख सकेंगे। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आकर अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस चैनल को प्रदेश के लिए समर्पित किया। मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी कल्पना थी कि हिमाचल प्रदेश का 24 घंटे का चैनल हो। हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन नए स्टूडियोज हम बनाना चाहते थे, डिजिटल वॉल क्रिएट करना चाहते थे, लेटेस्ट इक्विपमेंट देना चाहते थे, कंप्यूटराइजेशन इसका करना चाहते थे। सब करने के बाद ही कि केवल कागजों में ना हो, सही रूप में हो सके, तो सारा काम करके आज हिमाचल को समर्पित किया। और जैसा आपने कार्यक्रम में देखा कि बहुत रिच कल्चर हमारा है, कला संस्कृति साहित्य, इन सब के साथ साथ हम अपने पर्यटन की दृष्टि से जो भी ऐसी केंद्र होंगे, चाहे वो धार्मिक हो या हमारे जंगल हो, पहाड़ हो, नदियां हो, या हमारे खेलकूद के कार्यक्रम हो, या हमारे फेस्टिवल्स हो, हम प्रयास करेंगे डीडी हिमाचल का ये प्लेटफॉर्म हर हिमाचली के लिए मिले अपनी प्रतिभा को दिखाने का। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डीडी हिमाचल 24 यह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयास से संभव हो पाया है। सरकार बदलती रहती है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब एक समय दूरदर्शन हिमाचल में चलता था तो तकरीबन आधा घंटे का समय होता था और हिमाचल का समाचार चलता था। उसके बाद दूरदर्शन का कार्यक्रम बंद हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे और अगले दिन भी आधा पौना घंटा चलकर ख़त्म हो जाते थे। ये बड़े सौभाग्य की बात है हिमाचल वासियों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए। सबसे पहले सौभाग्य इस बात का कि अनुराग ठाकुर जी दूरसंचार हमारे सूचना प्रसारण मंत्री बने। अगर ये मंत्री ना बनते तो हिमाचल छोटा सा राज्य है, 4 संसद सदस्य है। तो मेरा ये मानना है कि 24/7 हिमाचल के दूरदर्शन हिमाचल की कल्पना पूरी नहीं हो सकती थी। इनके मंत्री बनने का सबसे ज्यादा फायदा, सूचना प्रसारण मंत्री बनने का सबसे ज्यादा फायदा हिमाचल दूरदर्शन को हुआ है। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ और हिमाचल की सरकार केंद्र की योजनाएं जो है उसमें पूरा सहयोग माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को देगी। कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं है। जहाँ विकास की बात आती है, हिमाचल के लोगों के विकास की बात है, वहाँ हम सब लोग हिमाचल के विकास के लिए कटिबद्ध है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।